तो प्रभा आप ने भी 26 किताबें पढ़ी है और आपको 260 में से 93 मार्क मिले हैं, 93.5। आपके पास 2 मिनट है, बताइए सबको, आराम से बैठ के बताइए। कैसा लगा आपको पढ़ने का, क्या अच्छा लगा, कब पढ़ा बताओ। हम तो घर पे पढ़ाई करते थे, लेकिन यहाँ आए तो अपने कायदे कानून के बारे में जानने लगे और कैसा रूल है सब ये समझने लगे। यहाँ आने के बाद ये सब पता चला हमें, और हमने उसमें पढ़ा दो भाइयों की कहानी। दो भाइयों की कहानी ऐसा है कि एक भाई अमीर था, एक गरीब था। गरीब भाई का सब लोग गाँव के समाज वो सम्मान करते थे, और वो गरीब जो अमीर था तो वो देख कर अपने भाई को जलता था जलता था। तो मतलब वो एक दिन इतना ज्यादा गरीब हो गया था, इतना ज्यादा उसको मतलब वो गए अपने भाई के पास, सब खान वो मांगने राशन मांगने गया। बोला कि भाई मेरे घर में राशन नहीं है, अब मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या हमें एक बोरी आटा दे सकते हो। तो अमीर भाई बोला कि क्यों नहीं। तो गरीब भाई बोला कि हाँ दे दो। तो बोला अमीर भाई बोलता है कि हम तुम्हें तो एक बोरी आटा दे देंगे, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। तो गरीब भाई बोला कि भाई आपके पास तो सब कुछ है, लेकिन हमसे आप मुझसे मांग रही हो, आपको क्या चाहिए। तब वो अमीर भाई तो देखकर जलता था, तो बोला कि हमें आपकी दाई और की आँख चाहिए। तो बोला क्या आप मेरी आँख लोगे। कहता है कि हाँ क्या दोगे तभी तुम्हें मैं दूंगा। तो कहा तो क्या लेकर मेरी आँख खुशी रहोगे तुम। बोलता है कि अगर तुम्हें लेना हो तो बताओ नहीं तो नहीं। फिर वो अपनी दाई और की आँख दे दिया और बोलता है फिर मतलब आटा दिया एक बोरी उसको आटा दिया, तो मतलब गिरते पाते ले। एक ही किताब पढ़ी है तो आप लोग ने 26 किताबें कैसे पढ़ी, कहाँ से टाइम निकाला। वो जैसे भाई बताए थे कि आप जितनी बुक पढ़ लोगे तभी भाग ले सकते हो, मतलब 20 से ज्यादा हो जाए कम ना हो, ओके इसलिए हम लोग तो कब टाइम निकालते थे। टाइम तो कभी जब क्लास मेरी नदी चली जाती कहीं मतलब बाहर तो पढ़ लेती क्लास में, या जब लाइब्रेरी में आती तो रात में पढ़ती। तो ये किताब आपने पढ़ी है भारत का संविधान, पढ़िए। इसके लेखक कौन है। ओके, दूसरी किताब आपने पढ़ी है भोपाल घोषणा पत्र, याद है, क्या है उसमें। दलित समाजों के लिए सरकार नई कानून बना रही है, और सुरक्षा खातिर उनके लिए मतलब नई लाभ खातिर अच्छी तरह से कानून बना रही है, उन्हें किसी भी चीज के कष्ट ना हो, और मतलब तनख्वाह देने लगी है, राशन भी देने लगी है। लेकिन सरकार तो सब कुछ करती है, लेकिन गांव के जो मतलब होते हैं जैसे गांव के और जो पार्टी है कोटेदार वही मतलब वो करते बेईमानी कर जाते हैं, पूरा तो देते हैं नहीं, सिर्फ आटा देते हैं, चावल देते हैं, और ये देश पूरे देश में से हमारे जैसे लोग साथ में मिलके क्या समस्या है दलितों की, उसके ऊपर हमने 3 दिन का भाषण दिया था, उसमें से किताब बनी है भोपाल घोषणा पत्र। ओके अच्छा, ये बताओ कि बड़ी हो रही है लड़की। बड़ी हो रही लड़की, लड़की मतलब ये सोच रही है बचपन बचपन का दिन तो हमारा बीत गया, लेकिन जब हम बड़ी होंगे तो हमारी आवाज बिल्कुल एक औरत की तरह चीख की तरह आवाज सुनाई देती है। इसलिए हम पहले की मतलब बचपन वाला दिन याद कर सकते हैं, बड़ी होकर हम नहीं कर सकते हैं।
दोस्ती के रंग, आपको दानी पेड़ क्यों अच्छी लगी? क्योंकि वो एक बालक था, वो मतलब पेड़ लगाया और बड़ा किया, उसको मतलब बहुत बड़ा कर दिया, तो वो पेड़ भी उसे मतलब प्यार करने लगा, क्योंकि जब तक वो उसके पास नहीं, वो छोड़ दिया था, जब तक उस वो लड़का प्यार के पास नहीं जाता था कि वो उसके मतलब बेचैनी होने लगी। ओके, ये तो पूरी स्टोरी है। क्या अच्छा लगा आपको किताब में? पेड़ लगाना। नहीं, उसका संदेश क्या है? कहानी जो है ना, उसका संदेश क्या है? संदेश समझते हो ना, क्या कहना, क्या सीखने को क्या मिला उसमें से? हाँ, उसमें सीखने को मिला कि हमें पेड़ों का सम्मान करना चाहिए और लगाना चाहिए इन्हें, मतलब लगाना चाहिए फिर फल देते हैं। तो राखी, आपने 17 किताब पढ़ी है और आपको 81 मार्क्स मिला है। ओके, आपके पास 2 मिनट है, समझाइए सबको। जब मैंने पहले दिन किताब पढ़ी तो मुझे राधा ने बोला कि दीदी किताब पढ़ो, यहाँ से बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो मैंने पढ़ी तो मुझे किताब में हर किताब में नई नई जानकारी मिली, तो मैं पढ़ती रही। जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं पढ़ती थी किताब, हर किताब से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था। और मुझे एक किताब वाली अच्छी लगी, संगत का असर। उसमें एक लड़का अपने गांव से शहर जाता है कमाने के लिए, तो जिस होटल में वो रुकता है तो उसमें एक लड़का होता है साथ में, वो नशा करता है, अफीम लेता है, तो वो उसको अपने जैसा ही बना देता है। तो हमें संगत उस इंसान की करनी चाहिए और देख सुन के कि जो हमें सही राह पर ले जाए, और कोई गलत राह पर जा रहा है तो हमें उसको समझाना चाहिए। अच्छा, ये आप समझाइए, एक किताब है पहले आप। ये आपने पढ़ी है? हाँ, याद नहीं। अच्छा, मुन्नी का स्कूल बता। मुन्नी के स्कूल में जब वो कौन है, उसका लेखक कौन है, वो नहीं पता। अच्छा बताओ, स्टोरी बताए। जब वो उसकी जॉब लग जाती है तो सुबह 8 बजे शहर जाती है पढ़ाने के लिए। एक दिन जब वो थोड़ा लेट हो जाती है तो चाय की टपरी पे बैठ जाती है, टेंशन में कि स्कूल जाऊँ कि घर जाऊँ, वापस स्कूल जाऊँ कि घर। तो वहाँ पे दुकान वाले चाय वाले आते हैं, वो अपनी टपरी खोलते हैं, फिर वो पूछते हैं मैम साहब चाय दूँ आपको, तो वो चाय पीने लगती है। वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आती है, तो वो आके बोलती है बापू मेरे को भी चाय दो। तो वो पूछती है, सुनीता नाम है टीचर का, वो पूछती है कि आप इस बच्ची को स्कूल नहीं भेजते हो? तो वो बोलते हैं टपरी वाले अंकल के मतलब मैं गरीब आदमी हूँ, हमारे गांव में इतनी सुविधा नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़ सकें, ना मैं स्कूल में खाने को मिलता है बच्चों को, ना मतलब किताबें वगैरह कुछ दी जाती हैं। मैम साहब आप क्या करते हो? तो वो बोलते हैं मैं टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ शहर। तो पूछते हैं कि मैंने सुना है कि शहर में बच्चों को फ्री सुविधा है, किताब भी मिलती है, बस्ता भी मिलता है, फीस भी नहीं लगती है। तो उन्होंने कहा हाँ मिलती है, तो आप मेरी मम्मी को ले जाओ स्कूल पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने कहा तो स्कूल शहर क्यों भेजना, हमारे गांव में इतनी सुविधाएं कि मैम साहब सुविधाएं हमें उपलब्ध नहीं है, आप ले जाओ तो हमारी बच्ची पढ़ लेगी। तो फिर वो सुनीता सुनती है सारी बात, फिर वो बस आ जाती है, तो वो चली जाती है। पूरे रास्ते रास्ते वो यही सोचती रहती है कि मम्मी का एडमिशन कैसे कराएं, अगर मेरे जरिए से एडमिशन हो जाएगा तो मैं बहुत खुश रहूँगी कि मेरे वजह से एक बच्चे की ज़िंदगी बनी है। क्या संदेश क्या है? संदेश ये मतलब कि जैसे कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारे बाद कोई बच्चा अगर पढ़ने के लिए उसे जरूरत है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो लड़कियां ज्यादा पढ़ती है कि लड़के? लड़कों को ज्यादा पढ़ाया जाता है समाज में। अच्छा। लड़कियों को कम मतलब। तो ये जो विषय है अभी आपने जिसकी बात करी कि लड़कों को ज्यादा पढ़ाया जाता है, लड़कों को कम, इस विषय की चर्चा वो म्यूजियम में भी हुआ है?
कहाँ पे है, कौन सी बिल्डिंग है? पहले वाला लड़की लड़की में भेद, हर मतलब पालन पोषण में और पढ़ाई लिखाई में सब जगह लड़की है। पहली बिल्डिंग बंधारण सभा, बंधारण सभा अच्छा उसमें है। अच्छा दूसरे में कुछ है? दूसरे में एक तो मनीषा वाल्मीकि का वो